हेलो एवरीवन, आज हम लोग टाइप थ्री स्टडी करने वाले। टाइप थ्री मतलब इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म जो हम लोगों ने टाइप टू में भी देखा था, उसका भी हेडिंग क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। लेकिन टाइप टू और टाइप थ्री में डिफरेंस है। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ए टाइप में कैसे रहेगा वो पहले हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस टू एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस माइनस बी साइन टू एक्स। ओके, जो हमारा टाइप टू था, ओके, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड था। लेकिन टाइप थ्री में क्या है, ए प्लस डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म रहेगा, ए प्लस बी कॉस टू एक्स या ए प्लस बी साइन टू एक्स। ए और बी मतलब कौन सा भी कांस्टेंट टर्म रहेगा वहाँ पे। ओके, ए और बी मतलब क्या, कौन से भी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन कंपलसरी साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स होना चाहिए। समझ में आया टाइप थ्री कैसे पहचानने का है। ओके, टाइप टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है डिनोमिनेटर में, और टाइप थ्री में साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स रहता है, और ए और बी मतलब कौन सा भी कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो ये टाइप में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूला स्टडी करेंगे। साइन टू एक्स का आंसर है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस टू एक्स का आंसर है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, और पो टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और टेन एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो टेन एक्स था साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स के फॉर्मूले में, जो भी टेन एक्स था, ओके, तो वो टी में रिप्लेस हो गया। टेन एक्स का वैल्यू टी में रिप्लेस हो गया, तो नया फॉर्मूला हम लोगों को मिला टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मिल गया वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस टू एक्स। ओके, फाइव प्लस थ्री कॉस टू एक्स। अभी ये एग्जांपल जब एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानने का कि यही टाइप का एग्जांपल है। ओके, डिनोमिनेटर में फाइव और थ्री मतलब ए और बी। ओके, फाइव और थ्री मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। अगर कॉन्स्टेंट टर्म के साथ साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स रहेगा, तो ये अपना टाइप थ्री का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया टाइप थ्री का एग्जाम्पल। ओके, तो टाइप थ्री के एग्जाम्पल में हम लोग पहले क्या करेंगे, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, इसमें क्या करते हैं, पहले टेन एक्स का वैल्यू हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकाल दो दोनों का। टेन एक्स इज इक्वल टू टी एक्स डी टी, और टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स रहता है सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स दोनों को इंटरचेंज करो, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, वन प्लस टी स्क्वायर। अभी टी कहाँ से आया, क्योंकि टेन एक्स का वैल्यू हम लोगों ने टी सब्सटीट्यूट किया है। टेन एक्स का वैल्यू टी सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए टेन एक्स की जगह पे हम लोगों ने टी पुट किया। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, टाइप थ्री का कौन सा भी एग्जाम्पल रहने दो, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सब एग्जाम्पल में सेम एज इट इज लिखने के आपको। क्लियर हो गया, ये जो पहला वाला पार्ट है वो हर एक एग्जाम्पल में सेम एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स का वैल्यू है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
देन उसके बाद कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। क्यों टी पुट किया, क्योंकि टेन एक्स का वैल्यू क्या है, टी है, तो ये अपना सेकेंड टर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ओके डीएक्स डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स डीएक्स का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो वहाँ पे डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में 5 + 3 सेम एज इट इज, 5 + 3 और cos 2x का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, 1 - t² / 1 + t² ओके। ये हमारा अभी नया एग्जाम्पल है ओके, वो हम लोगों का एग्जाम्पल अभी t में चेंज हुआ है, जो गिवन एग्जाम्पल था वो x में था ओके। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने वो एग्जाम्पल dt मतलब t वेरिएबल में चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे कौन सा भी टर्म x में नहीं चाहिए, सब टर्म हम लोगों को t में चाहिए। देन इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 + t² न्यूमरेटर वाला टर्म सेम एज इट इज ओके, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 × 1 + t² 5 × 1 + t² ओके, देन 3 × 1 - t² और कंप्लीट डिनोमिनेटर में 1 + t². क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 5 × 1 + t² प्लस आगे वाला टर्म सेम एज इट इज और होल डिनोमिनेटर में 1 + t², तो ये 1 + t² 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। देन रिमेनिंग dt अपॉन 5 × 1 5 प्लस 5 × t² 5t² प्लस 3 × 1 3 एंड 3 × -t² -3t². क्लियर हो गया? तो 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। देन dt अपॉन 5t² -3t² 5t² -3t² का कैलकुलेशन होके 2t² आ जाएगा और 5 + 3 मतलब क्या मिला आपको, 8 ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी डिनोमिनेटर में कितना टर्म है हमारे पास, 2 टर्म है और उसमें से एक वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। क्लियर हो गया? तो टाइप 1 हम लोगों ने पहले से ही देखा है, टाइप 1 में कितना टर्म रहता है, 2 टर्म रहता है और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है ओके, टी का स्क्वायर है मतलब वेरिएबल का स्क्वायर है, तो जो कांस्टेंट रहेगा वो भी स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए ओके। मतलब यहाँ ये इससे आगे एग्जांपल हम लोग टाइप 1 से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कौन सा है, टी स्क्वायर के साथ कौन सा भी टर्म नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट में। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे टाइप 1 में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो टर्म कैंसिल होना चाहिए ओके, इसलिए उसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज, वेरिएबल हमारा टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स रहेगा वो कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल कैसे करेंगे, वो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और वही कोएफिशिएंट्स से डिवाइड कर दो ओके। जो मल्टीप्लाई किया हुआ 2 है वो कांस्टेंट बाहर जाएगा, मतलब 1/2 dt अपॉन, और जो 2 हम लोगों ने डिवाइड किया है वो दोनों को सेपरेट हो जाएगा, 2 + 8/2। देन 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 और 2 कैंसल, t² + 4 रिमेनिंग है ओके। देन 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी का स्क्वायर है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो पहले उसका स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट है 2 और सीधा ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो ओके। तो यहाँ पे 2 टर्म हो गया और दोनों का स्क्वायर भी मिल गया और न्यूमरेटर में 1 या dt चाहिए, तो वो भी कंडीशन क्लियर है। तो यहाँ पे 6 IMP फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 6 IMP फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग a कंसिडर करते हैं और जो वेरिएबल रहता है उसको हम लोग x कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे x² + a² मतलब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। अगर 6 IMP फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो पहले ही टाइप 3 के पहले ही स्लाइड में मैंने आपको वो
दे दिया है, ओके। 6 IMP फॉर्मूला वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ओके। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हियर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वेरिएबल x है, हमारे पास वेरिएबल t है, और a मतलब कांस्टेंट जो हमारे पास 2 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था x का वैल्यू t है और a का वैल्यू 2 है, ओके। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले इंटीग्रेशन के बाहर जो भी टर्म रहेगा वो लिखने का है, मतलब 1 बाई 2, और उसके बाद फॉर्मूला 1 अपॉन a का वैल्यू है 2, टैन इनवर्स x मतलब हमारे पास t है और a का वैल्यू है 2, ओके। देन 1 बाई 4 टैन इनवर्स t का वैल्यू, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही टैन एक्स पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2 प्लस c, आपका लास्ट आंसर। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अभी सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 cos 2x, ओके। 2 प्लस 3 cos 2x, ओके। अभी ये एग्जाम्पल एग्जाम में आए तो कैसे पहचानने का कि ये टाइप 3 का एग्जाम्पल है। टाइप 3 के एग्जाम्पल में sin 2x या cos 2x रहता है, ओके। और उसके साथ ए और बी रहता है, ए और बी मतलब कौन सा भी कॉन्स्टेंट रहता है, ओके। तो ये हमारा 2 प्लस 3 cos 2x मतलब है टाइप 3 का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया। तो टाइप 3 के एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों का डेरीवेटिव निकालो, डेरीवेटिव ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ टी, टैन एक्स का डेरीवेटिव है sec2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, के दोनों को इंटरचेंज करो, dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec2x, देन dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec2x का वैल्यू 1 प्लस tan2x, एंड dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t2। टैन एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, t है, ओके। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। टाइप 3 का कौन सा भी एग्जाम्पल रहने दो, ये फर्स्ट पार्ट आपको हर एक एग्जाम्पल में सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टर्म है, cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan2x अपॉन 1 प्लस tan2x, ओके। देन cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस t2 अपॉन 1 प्लस t2। टैन एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो हमारा नया एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा हम लोगों को, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 cos 2x का वैल्यू है 1 माइनस t2 अपॉन 1 प्लस t2, ओके। तो ये हमारा नया एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे भी dx है, dx, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया, dt अपॉन 1 प्लस t2, और cos 2x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 माइनस t2 अपॉन 1 प्लस t2। जो न्यू एग्जाम्पल मिला वो t में होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट dt अपॉन 1 प्लस t2, ये न्यूमरेटर में जो भी टर्म है वो सेम एज इट इज, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 2 1 प्लस t2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 प्लस t2, 2 इंटू 1 प्लस t2, ये आगे वाला टर्म सेम एज इट इज 3 1 माइनस t2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस t2 सेम एज इट इज। क्लियर हो गया यहाँ तक। डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस t2 है, 1 प्लस t2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, देन 2 प्लस 2t2, 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3t2, ओके। देन इंटीग्रेशन dt अपॉन 2t2 माइनस 3t2 मतलब -t2 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। देन dt अपॉन अगर t2 का साइन माइनस है तो ये दोनों टर्म को इंटरचेंज करो, मतलब 5 माइनस t2 करो, ओके। अगर t2 माइनस रहेगा तो इंटरचेंज कर दो। नेक्स्ट dt अपॉन, ओके। अभी यहाँ पे भी हमारा 6 IMP फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 6 IMP फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे t2 का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ओके। लेकिन जो 5 कांस्टेंट है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, इसलिए रूट 5,
ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ओके मिल गया। डिनोमिनेटर में दो टर्म है, दोनों का भी स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में वन या डी टी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पे सिक्स आई एम पी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिक्स आई एम पी फॉर्मूले में जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, और जो वेरिएबल रहता है उसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू एल लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके ये स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैंने आपको सिक्स आई एम पी फार्मूला दे दिया है। ओके तो ये अपना ये सिक्स आई एम पी में से ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हियर हियर ए का वैल्यू है हमारे पास रूट फाइव और एक्स का वैल्यू है हमारे पास टी है। ओके तो पहले इंटीग्रेशन के बाहर जो भी टर्म रहेगा उसको लिख दो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर कौन सा भी टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ए का वैल्यू रूट फाइव, रूट फाइव लॉग ए का वैल्यू है रूट फाइव प्लस एक्स का वैल्यू है टी अपॉन रूट फाइव माइनस टी, देन वन अपॉन टू रूट फाइव लॉग रूट फाइव प्लस टेन टी का वैल्यू है टेन एक्स अपॉन रूट फाइव माइनस टेन एक्स, ये हमारा लास्ट आंसर है, इसलिए उसको प्लस सी। क्लियर हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। ओके नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन पाई माइनस थ्री साइन टू एक्स। ओके अभी ये टाइप का टाइप थ्री का एग्जाम्पल है, ये कैसे समझ में आ गया, टाइप थ्री के एग्जाम्पल में क्या होता है, टाइप थ्री के एग्जाम्पल में साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स चाहिए डिनोमिनेटर में, और उसके साथ ए और बी मतलब क्या, कौन सा भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके तो यहाँ पे साइन टू एक्स है हमारे पास, इसलिए ये टाइप थ्री का एग्जाम्पल है। तो टाइप थ्री के एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों का डेरीवेटिव निकाल दो, टेन एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ टी, टेन एक्स का डेरीवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, दोनों को इंटरचेंज कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स का वैल्यू टी पुट कर दिया है हम लोगों ने। क्लियर हो गया, ये पहला पार्ट टाइप थ्री का कौन सा भी एग्जाम्पल रहने दो, टाइप थ्री के कौन से भी एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट तो आप लोगों को सेमैटिक लिख देने का। ओके नेक्स्ट हमारे पास साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, टू टेन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, देन साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये हम लोगों को साइन टू एक्स का वैल्यू भी मिल गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके तो डी एक्स और साइन टू एक्स, डी एक्स और साइन टू एक्स दोनों का वैल्यू हम लोग गिवन एग्जाम्पल में, गिवन एग्जाम्पल में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री, और साइन टू एक्स का वैल्यू हमारे पास टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर है, साइन टू एक्स का वैल्यू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके नेक्स्ट डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर सेम एज इट इज के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइव इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, देन फाइव इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, फाइव इंटू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर सेम एज इट इज। ओके क्लियर हो गया यहाँ तक, वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर कैंसल, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन फाइव मल्टीप्लाई कर दो, फाइव प्लस फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी। ओके तो यहाँ पे हम लोग उसको अरेंज करके लिख देंगे, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस फाइव। ओके तो मैंने क्या कर दिया, पहले जो टी स्क्वायर वाला टर्म है उसको लिख दिया, उसके बाद टी वाला टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट जो रहेगा वो। ओके तो ये अपना इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे हमारे पास अभी थ्री टर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप अप्लाई करेंगे, टाइप टू अप्लाई करेंगे। ओके मतलब ये टाइप में हम लोगों ने देखा रहेगा कि जब हम लोग
टाइप वन और टाइप टू यहाँ पे हमारे पास फिर से अप्लाई हो जाता है। जब कॉस टू एक्स का टर्म रहेगा, कॉस टू एक्स का टर्म रहेगा तो टाइप वन अप्लाई होता है फिर से, और साइन टू एक्स रहेगा तो टाइप टू अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास साइन टू एक्स था एग्जाम्पल में। ओके, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला हम लोगों को, 5t² - 60+5, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब कौन सा टाइप है हमारा, टाइप टू। तो ये पूरा एग्जाम्पल हम लोगों को टाइप टू के एग्जाम्पल जैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि टी स्क्वायर के साथ कौन सा भी टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, टी स्क्वायर के साथ कौन सा भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, अगर टी स्क्वायर के साथ जो टर्म रहेगा वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास 5 है तो 5 को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, जो मल्टीप्लाई किया हुआ 5 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा, देन 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन, और जो डिवाइड किया हुआ 5 है वो तीनों को सेपरेट हो जाएगा, 5t² / 5 - 60/5 + 5/5, देन 1/5 इंटीग्रेशन dt/5 कैंसल, t² - 6/5t + यहाँ पे भी 5 और 5 कैंसल, तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने टी स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा वो कैंसिल कर दिया उसको। ओके, अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट का स्क्वायर, देन 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 6/5, और उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, देन 2 और 6 कैंसिल होके ऊपर 3 बचेगा, 5 सेम एज इट इज़ उसका स्क्वायर, इसलिए 9/25। तो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, 9/25, 2 और 6 कैंसिल होके 3 रिमेनिंग, और 3/5 का स्क्वायर 9/25। तो ये 9/25 को हम लोग गिवन इक्वेशन में प्लस माइनस करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग जो हमारा एग्जांपल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, जिसके पास टी है वो एक पार्ट, जिसके पास टी नहीं है वो आपका सेकेंड पार्ट। ओके, जिसके साथ टी है उसका फर्स्ट ग्रुप, और जिसके साथ टी नहीं है उसका सेकेंड ग्रुप। ओके, तो ये थर्ड टर्म को हम लोग एक ग्रुप में प्लस और एक ग्रुप में माइनस करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर टी स्क्वायर का साइन डिसाइड करता है, टी स्क्वायर का साइन प्लस है, टी स्क्वायर का साइन प्लस है, इसलिए 9/25 हम लोग पहले ग्रुप में प्लस करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा 1/5 dt / t² - 6/5t + 9/25, ये हमारा पहला टर्म, प्लस 1 - 9/25, ये हमारा सेकेंड टर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, जो हमारा थर्ड टर्म है वो हम लोग गिवन इक्वेशन में प्लस या माइनस करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है, टी स्क्वायर का साइन। अगर टी स्क्वायर का साइन प्लस रहेगा तो 9/25 ये ग्रुप में प्लस करेंगे, और बाय डिफॉल्ट 1 में से वो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा न्यू इक्वेशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन जो पहला वाला टर्म है जिसमें वेरिएबल रहता है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास, टी है। ओके, सिर्फ टर्म देखने का, स्क्वायर नहीं देखने का, तो उसको लिख दो सेम एज इट इज़। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और पहले ग्रुप में लास्ट वाला टर्म क्या है, 9/25, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, 9/25 का स्क्वायर रूट है 3/5, और सीधा ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप टू में भी देखा है, अगर आपको टाइप टू मालूम नहीं है तो हमारा टाइप टू का भी वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट 1 - 9/25, इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16/25। ओके, देन 1/5 इंटीग्रेशन dt / t - 3/5 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे ये जो टर्म मिला है हम लोगों को, t - 3/5 का स्क्वायर प्लस 16/25, डिनोमिनेटर में कितना टर्म है हमारे पास, दो टर्म है। ओके, तो उसमें से एक टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर है हमारे पास, जो कांस्टेंट नहीं है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है,
तो उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कांस्टेंट को स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करते, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो। 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट है 4 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अभी डिनोमिनेटर में कितना टर्म है? दो टर्म है और दोनों का भी स्क्वायर है। दो टर्म है और दोनों का भी स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में 1 या dt होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। तो यहाँ पे 6 IMP फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 6 IMP फॉर्मूले में जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग a कंसिडर करते हैं, और जिसमें वेरिएबल रहता है उसको हम लोग x कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हियर x का वैल्यू क्या है हमारे पास? t माइनस 3/5। एक्स का वैल्यू है t माइनस 3/5, और ए का वैल्यू क्या है? 4/5। और ए का वैल्यू क्या मिला है हम लोगों को? 4/5। ओके, क्लियर हो गया x और a क्लियर हो गया। तो लास्ट आंसर लिखने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन के बाहर जो टर्म रहता है वो लिख दो 1/5। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो 1/a। ए का वैल्यू है हमारे पास 4/5 टैन इनवर्स, एक्स का वैल्यू है टी माइनस 3/5 अपॉन ए का वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन 1/4 टैन इनवर्स 1/4 टैन इनवर्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5। टी का वैल्यू है हमारे पास टैन एक्स माइनस 3, होल डिवाइड में 5 रहेगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4/5 है। तो 5 और 5 कैंसिल, देन 1/4 टैन इनवर्स 5 टैन एक्स माइनस 3 अपॉन 4, और लास्ट आंसर है उसलिए उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस सी लिखेंगे। क्लियर हो गया टाइप 3? ओके, ये हमारा टाइप 3 का एग्जांपल। हम लोग एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि टाइप 3 का एग्जांपल है? टाइप 3 के एग्जांपल में साइन 2x या कॉस 2x रहता है। ओके, टाइप 3 के एग्जांपल में हम लोग ने क्या देखा कि उसके टाइप 3 के एग्जांपल में साइन 2x और क्या रहता है? कॉस 2x रहता है। ओके, और उसके साथ ए और बी कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो साइन 2x और कॉस 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टैन एक्स को टी पुट कर दिया, तो ये दोनों फॉर्मूला 2t इसमें चेंज हो जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी में चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये अब तक? ओके, ये हमारा टाइप 3 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू।